पहले परफॉर्मेंस या पहले शादी, इसके बारे में आज बातचीत करने वाले मेरा मैं डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत यंग लोग जो है जो हमारे पास में आते हैं, वो क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं सेक्स करने का उनके गर्लफ्रेंड के साथ में या सेक्स वर्कर के साथ में, और फिर वहाँ प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन इसके जरिए वो फेल हो जाते, वहाँ जमता नहीं, वहाँ इरेक्शन आता नहीं। एक तो इरेक्शन आ गया तो वीर्यपान जल्दी हो जाता है, मतलब इंसर्शन करने के पहले ही वीर्यपात हो जाता है, तो ऐसे समय उसको ये प्रेशर हो जाता है कि अभी मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं कर नहीं सकूँगा। अब ऐसा लड़का दिमाग में रख के कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरा इरेक्शन होता ही नहीं है, हो गया तो जल्दी वीर्यपात होता है और मैं सेक्स नहीं कर पाता, ऐसे विचार लेके घर वापस आ जाता है। अब दिमाग में वही चालू रहता है कि भाई मुझे जमता नहीं है, मैं सेक्स करने लायक नहीं हूँ, मेरा इरेक्शन होता नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो और एक आधी बार वो जाता है, वहाँ भी वही फेल हो जाता है क्योंकि दिमाग में टेंशन है, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी है कि मैं करूँ, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और उसमें वो फिर से फेल हो जाता है। अभी देखो कहानी क्या होती है कि फिर बोलता है कि देखो मुझे अभी घर के लोग प्रेशर कर रहे शादी कर, अब मैं शादी करूँ और शादी करने के बाद में यदि मुझे नहीं जमा तो लड़की भाग जाएंगी, लड़की चले जाएंगी, फिर क्या करना है। तो बोलता मेरे को शादी नहीं करनी है। फिर नहीं नहीं बोलते बोलते फिर घर के लोग जब बहुत प्रेशर करते उनको बताता है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब उसको मेरे से ये चाहिए कि वो गारंटी, मतलब मैं उसको दूं कि भाई वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बोले मुझे सक्सेसफुल होना है। भाई सक्सेसफुल होना है मगर तेरे पास में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है ना, उसका क्या? कभी भी टेस्ट करने जाएगा तो परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा इसका यदि प्रेशर है तो टेस्ट करने जब भी कभी जाएंगा तो फेल होगा। वही लड़की के पास में जाएगा, गर्लफ्रेंड भी होंगी तभी भी फेल हो जाएगा, तो फिर कैसा होगा? बोलता नहीं मैं पहले टेस्ट करूंगा, उसमें पास हो गया तो फिर शादी करूंगा। और हम बोलते हैं कि पहले शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमने तपास लिया है, आपका सीमेन एग्जामिनेशन भी किया है वो भी नॉर्मल है, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, आप शादी कर लो, शादी करने के बाद में धीरे धीरे वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी खत्म हो जाएंगी, हम उसके बाद में इलाज करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे, काउंसलिंग करेंगे और बाद में अच्छे हो जाएंगे। मगर नहीं अच्छा हुआ तो तुम ऐसे बोलेंगे तो कैसा होगा? बोलते हैं कि नहीं नहीं एकदम ठीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप अच्छे हो जाएंगे, मगर वो नहीं अच्छा तो भाग जाएंगे, फिर इज्जत का सवाल है, इसलिए फिर मैं शादी नहीं करता जब तक मुझे आप ठीक नहीं करते। फिर मैं बोलता हूँ आपको फिर सरोगेट पार्टनर लानी पड़ेगी, और सरोगेट पार्टनर इसका मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी पार्टनर कि जो आपके साथ में सेक्स करने को तैयार है, वो ना सेक्स वर्कर है ना कोई आपकी फ्रेंड भी है, मगर वो आपको कोऑपरेट करने को तैयार है, सरोगेट पार्टनर बोलते हैं उसको। और हो सकता है कि उसको भी एंजॉय करना है या आपको सपोर्ट करने को तैयार है, और ऐसी सरोगेट पार्टनर आपको मिलती है तो मैं अभी काउंसलिंग आपका करूँगा शादी के पहले, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बाद में शादी कर लो। बोले ऐसी पार्टनर कहाँ से मिलेगी? मतलब विवाह आपको ही करना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं मालूम, मगर यदि आपकी वो जो गर्लफ्रेंड है वो यदि समझदार है, वो यदि आपको सपोर्ट करने को तैयार है, तो ये सेक्स काउंसलिंग का जो कोर्स है हमारा वो आप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रोज जाके करना क्या है। सेंसेट फोकस का जो मेथड है वो मैं आपको समझा के दूंगा, स्टॉप क्विक स्टार्ट टेक्निक है वो समझा के दूंगा, जिससे आपको सक्सेसफुल इंटरकोर्स करने में सहायता होगी। एक बार आप सक्सेसफुल कर सकोगे बाद में शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले नहीं ऐसी लड़की तो मिलने वाली है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्कर के पास में जाऊँगा, सेक्स वर्कर पैसा लेती है 500, 1000, 2000 जो भी है वो पैसा लेंगी, वो तो क्या है बोलती चलो जल्दी करो फटाफट और निकल जाओ, तो वो तो आपके तरफ उसको ना कंपैशन है ना कोई आपके तरफ कमिटमेंट है, तो ऐसी चलेगी नहीं। तो ऐसे इसमें फिर हमको प्रॉब्लम आता है, अभी करना क्या है? हमारा यही कहना है कि भाई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो है वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ठीक हो सकती है हिप्नोथेरेपी के माध्यम से। आप इमेजिन करते, कल्पना करते हैं और विजुलाइजेशन करते करते आपकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ठीक हो सकती है, अन्यथा मुश्किल है। जो लोगों को ये प्रॉब्लम है शादी करना कि नहीं करना, होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल में होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पहले गारंटी चाहिए शादी के पहले कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही, और वो गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। तो ये समझ लिया तो आप ठीक हो पाओगे।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।